ठीक है, तो ये भी अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे डार्क है, दिस इज एक्सट्रीमली डार्क। तो पहले वो स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि मुझे एरर नहीं करना है, अगर इसको मैंने इतना डार्क बना लिया तो वो फ्लैट लगेगा फिर से। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ब्लैक से। तो अभी ये एरिया थोड़ा बड़ा है, सो आई कैन गो फॉर 7RS। सर्कुलर मोशन, मैं जब भी लायन टाइगर या कोई भी एनिमल पे काम करता हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा रफ रहता है, इतना ज़्यादा मैं स्मूथ करने का ट्राई नहीं करता, उसको रफली फिल करते जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा टेक्सचर आता है उसमें, वो मुझे अच्छा लगता है। लेटर आई कैन गो ओवर विथ मैग्नम और उसको भी स्मूथ कर सकता हूँ, बट इनिशियली मैं टेक्सचर रखता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाथ काफी रफ रहता है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से 7RL ले रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्सचर जो है वो काफ़ी शार्प है। पहले मैंने ब्लैक कर लिया RS से, क्योंकि RL से फिल करने के लिए टाइम जाएगा। ठीक है, तो अभी जो डायरेक्शन में वो हेयर है तो उसके नोज पे जो हेयर है मुझे लग रहा है ऐसे नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हो, तो जब भी मैं स्ट्रोक्स करूंगा तो वो डायरेक्शन में ही रहेंगे। डैशेस कर रहा हूं छोटे छोटे। जहाँ पे भी लाइट चाहिए वहाँ पे प्रेशर कम कर दो, लाइट आएगा। अगर एकदम छोटे हेयर्स रहेंगे तो आप लोग डॉट्स भी कर सकते हो, अलग अलग इंटेंसिटी वाला, जैसे डार्क लाइट डॉट्स कर सकते हो। हाँ, सेम है, सब सेम है, कुछ अलग नहीं। हाथ हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, मशीन का स्पीड हमेशा चेंज करते नहीं रहना है, मशीन का स्पीड। हाँ, 84,
हाँ कहाँ पे? ये वाले रैंडम एड्स यूज़ कर सकते हो, पर वो रैंडम एड्स जैसा टेक्सचर है नहीं वहाँ पे, वो डॉट से ही करना पड़ेगा। डॉट्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसको हम लोग शेडिंग में जैसे राउंडनेस क्रिएट कर रहे हैं वैसे डॉट्स से कर रहा हूँ यहाँ पे। सो डॉट्स वाला ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। अभी यहाँ पे मैं रैंडम एड्स यूज कर रहा हूँ। रैंडम एड्स और डॉट्स मिक्स है उसमें, एक ही तरीके का टेक्सचर नहीं है।
ये रैंडम एट्स है। ठीक है, तो अभी थोड़ा अनफिनिश्ड लग रहा है क्योंकि उसके आजू बाजू का एरिया बना नहीं है। आजू बाजू का एरिया बन जाएगा तो सेम लगेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये डार्कनेस अभी तक बनाया नहीं है मैंने, जो नोज का है। ठीक है, जैसे ही वो बना देते हैं वो सेम हो जाएगा। तो अभी तुम लोग के रेफरेंस के लिए इतना सही है, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी ज़्यादा आइडिया आएगा। कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेप्थ ऐड किया था, पर अभी करूँगा ना तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि डार्क एरिया नहीं बना है। हाँ, कर सकते हो, डार्क एरिया करना ज़रूरी है मैग्नम से।